ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में कमी लाने के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी कंपनी ने ब्रेथ एनालाइजिस मशीन बनाई है जिसका इस्तेमाल कार में किया जाएगा और इस मशीन के लगने के बाद अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सड़क हादसों पर लगेगी रोक, ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में आएगी कमी, शराबी नहीं चला पाएंगे अपनी कार। कोई है जो नशे में गाड़ी चलाने वालों पर लगाएगा ब्रेक? जी हाँ, माइक्रो टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक ऐसी ब्रीथ एनालाइजर मशीन विकसित की है जो ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में कमी लाएगी। दरअसल ये छोटी सी मशीन आपके गाड़ी के ड्राइवर ने शराब पी है या नहीं इसकी सूचना तुरंत आपको देगी। ये मशीन इतनी कमाल की है कि अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाने की लाख कोशिश करेगा तो भी गाड़ी नहीं चल पाएगी बल्कि गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। इस मशीन में बिठाए गए ब्रीथ एनालाइजर सिस्टम कार चालक ने कितनी एमजी शराब पी है इसकी सूचना देती है। मानो कोई कार चालक 120 एमजी शराब पीकर गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। मैं आपको मशीन दिखाना चाहूंगा, इस तरह आप देख सकते हैं इस मशीन को बनाया गया है जो जिसका नाम दिया गया है ब्रीथ एनालाइजर। अगर कोई भी ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी में बैठता है तो सीधा ओनर को जो है मैसेज जाएगा कि आपका ड्राइवर जो है शराब के नशे में है और जैसे 120 एमजी वो क्रॉस करता है, इससे ज्यादा अल्कोहल अगर वो लेता है तो गाड़ी जो है अपने आप बंद हो जाएगी और इसका एसएमएस जो है मालिक के पास जाएगा और जब तक मालिक नहीं चाहेगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कई मासूमों की जान जाती है तो यहाँ पे ये जो माइक्रो टेक्नोलॉजीज का ये जो डिवाइस है ये आपको हेल्प करता है उस चीजों को बचाने के लिए। वैसे आपको बता दें कि सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत होती है और अगर इस यंत्र को ट्रैफिक पुलिस अनिवार्य कर दे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सड़क हादसों में काफी कमी आएगी और जान माल का नुकसान कम होगा, यानी ये यंत्र किसी वरदान से कम नहीं है। अश्विन पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।